तिरंगे के साथ असलहे से लैस थी भीड़। आपको बता दें कि जो भीड़ तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल थी उसमें असलहे भी देखने को मिले हैं। भीड़ ने की तमंचे से फायरिंग, भीड़ में दो युवकों के पास दिख रही है पिस्तौल। भीड़ लगातार पत्थरबाजी भी कर रही थी, लाठी डंडों से भी लैस थे उपद्रवी। तो आपको बता दें कि कासगंज घटना को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा है, एक नया वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में तिरंगा यात्रा के दौरान, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बांदा की तस्वीर है जहां एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको तिरंगा यात्रा के दौरान जो घटना घटी थी, जिस तरह से वहां पर असलहों से लैस लोग थे, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और इस तस्वीर को लेकर एक बार फिर से कई सवाल उठ गए हैं। आपको बता दें कि कासगंज घटना का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में तिरंगे के साथ कई लोगों के हाथ में हथियार भी देखे जा रहे हैं जो तमंचे से फायरिंग करते हुए जा रहे थे। चंदन गुप्ता की मौत हो गई। आपको बता दें कि इसी भीड़ में, यानी जिस तरह से उपद्रव मचाए गए थे, एक शख्स की मौत हो गई थी। मौत को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, मामले की जांच हो रही है। लेकिन हो सकता है, ये एक अंदाजा के तौर पर हम नहीं कह सकते, यानी विजुअल में जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें जिस तरह से असलहे से फायरिंग की गई, और ये तस्वीर देखिए, ये सीधे सीधे हम दिखा रहे हैं आपको तिरंगा यात्रा के दौरान जो वीडियो सामने आया है उसमें ये कि जो लोग तिरंगा यात्रा में निकाले हुए थे उसके हाथ में लाठी डंडों से लैस तो थे ही, बंदूक भी हाथ में थी, यानी पिस्टल से फायरिंग करते हुए। ये तस्वीर देखिए, विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर नेशनल वॉइस पर हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक, जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, जो अभी ये तस्वीर जारी की गई है, जो लगातार एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं, इसको देखते हुए अब यही कहा जा सकता है कि इस घटना ने पूरी तरीके से एक नया मोड़ ले लिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो दो तमंचे हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग करते हुए इसी को लेकर एक विवाद पनप गया था जिसमें चंदन गुप्ता नाम के शख्स की मौत हो गई थी। जी, लेकिन क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है, जो जिस तरह से उस दिन उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, लाठी डंडे चले थे, फायरिंग हुई थी, जो गोली से जो मौत हुई थी चंदन गुप्ता की, वो किसकी गोली से मौत हुई थी, इस बारे में कोई खुलासा हो पा रहा है? जी नहीं, सर आपको बता दूं, अभी तक इस मामले में इस वीडियो की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं कर रहा है, केवल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किसने किसकी गोली से मौत हुई थी। अभी तक जो चंदन के पिता की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है उसमें मुख्य आरोपी को बनाया गया है और उसके उसकी ही गोली से मौत को दिखाया गया है। जी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मुख्य आरोपी किसे बनाया गया है, क्या इस भीड़ में जो फायरिंग, जो असलहा लहरा रहा है फायरिंग कर रहा है, उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है? जी नहीं, सर आपको बता दूं, जो इस भीड़ में युवक दिख रहे हैं इनमें से किसी को भी चंदन के पिता द्वारा हत्या और दंगे का आरोपी नहीं बनाया गया है। उसमें एक तहसील रोड का आरोपी सलीम को बनाया गया जिसके यहाँ से एक जिंदा वर्म। बिल्कुल, और विवेक आप हमारे साथ बने रहे हैं, ADG आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। लगातार एक तस्वीर जो हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर नेशनल वॉइस पर, वीडियो वायरल हुआ है कासगंज घटना को लेकर, जो भीड़ थी, भीड़ के हाथ में हथियारों से लैस हैं और फायरिंग भी की जा रही है। तो ADG आनंद कुमार फोन पर बने हुए थे लेकिन फिलहाल वो उनका फोन कट गया है, या हो सकता है कि फोन उन्होंने काट दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, और ये तस्वीर कई सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से एक शख्स की मौत हुई है इस तिरंगा यात्रा के दौरान, और ये भीड़ जो निकली थी, उस भीड़ ने एक बार ये सवाल उठा दिया है कि क्या इसी मंसूबे से कि हंगामा करना है, उपद्रव मचाना है, ये तमाम सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे आनंद कुमार जी से फिर से बात करने की, और इस तस्वीर को लेकर, इस वीडियो को लेकर जो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस सवाल को जानने की कि आखिरकार चंदन गुप्ता की मौत कैसे हुई, क्या हो सकता है कि इस भीड़ से जो फायरिंग हुई थी उस गोली से भी मौत हो सकती है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब आप अति उत्साहित होते हैं और फायरिंग करते हैं तो अपनी ही गोली से अपने लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये हम दावा भी नहीं कर रहे हैं, हम वीडियो के आधार पर कह रहे हैं। मामला जांच का है, जांच के बाद ही पता चलेगा। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक,
और एडीजी आनंद कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी स्वागत है आपका। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जो भीड़ तिरंगा यात्रा निकली थी उसमें सभी लोग हथियारों से लैस थे। देखिए मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है जी कि सारे बहुत सारे वीडियोस हम लोग के पास उपलब्ध हैं जी, लेकिन एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी सारी वीडियोस को की जांच करेगी, उनकी गुणवत्ता देखेगी, वेदर इट स्टैम्पर्ड है या फोटोशॉप है या इस तरह की बात है वो भी देखेगी और जेन्युइन आधार पर इवेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन करेगी। एसआईटी के खास इसीलिए एसआईटी गठित की गई है जी, और तथ्य पर एक इन्वेस्टिगेशन होगी जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मामले की जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक एक जो ये तस्वीर जो है, उस तस्वीर क्या ये तस्वीर आपके सामने आई है, क्योंकि वीडियो अभी वायरल हुआ है, ये जो हम सबसे पहले हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें जो जो शख्स जा रहा है उस भीड़ में, वो शख्स लगातार फायरिंग कर रहा है। अब मौत को लेकर भी सवाल हो सकता है कि आखिरकार किसकी गोली से मौत हुई है। देखिए ये वीडियो हमारे पास भी आ चुका है और हम लोग भी इसका परीक्षण कर रहे हैं जी, ये वीडियो किस समय लिया गया, कहाँ से लिया गया, क्या टेम्पर्ड है, नहीं टेम्पर्ड है, और इवेंट जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा क्राइम सीन का, उसमें हर चीज कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। कई वीडियोस पुलिस के पास हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक वो किया जा रहा, मॉनिटरिंग की जा रही है, उस एविडेंस को सीक्वेंस वाइज रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और जब पूरा सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। सर लेकिन एक सवाल, एसआईटी का गठन भी किया गया है जी। सर एक सवाल, आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, आपका समय हम बहुत नहीं लेना चाहते हैं, जो भीड़ है और एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि चंदन गुप्ता की मौत हुई है, हर कोई दुखी है इस बात से, मुख्यमंत्री ने भी संवेदना प्रकट की है, हम भी दुखी हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो भीड़ निकली है उस भीड़ की तो मंसूबा यही है कि कहीं हमला करना है, जिस तरह से लाठी डंडों से लैस है, और उसी भीड़ में वो भी शामिल है। देखिए अब ये भीड़ कौन है, क्या ये कासगंज की उसी जगह की है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, इसमें किसी एक वीडियो के आधार पर कोई कंक्लूजन पे आना उचित नहीं है, सब चीजों का परीक्षण किया जाएगा और मैं इस पे कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर एसआईटी की जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस भीड़ में चंदन गुप्ता भी शामिल था और चंदन गुप्ता की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि गोलियां जो चली थी, यानी दोनों तरफ से उपद्रव मचाने के बाद आखिरकार फायरिंग किधर किधर से हुई, कैसे हुई, जो नामजद आरोपी है क्या उसका दोष भी है कि नहीं, इस मामले की गहन छानबीन चल रही है और छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है। क्या उस तिरंगा यात्रा के दौरान वाकई में तिरंगा यात्रा, यानी इससे पहले तो कभी हमने नहीं सुनी थी तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान जब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो आपका जो जो मकसद है वो वाकई में उस मकसद से आप निकले हुए थे या फिर उपद्रव मचाने के लिए निकले थे। संजय राठौड़ जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। संजय राठौड़ जी, एक विजुअल जो हम लगातार दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कि कासगंज में जो घटना घटी थी जिसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ था और ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ जा रही थी तिरंगा यात्रा निकालकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो जितने भी लोग हैं सबके हाथ में हथियार है। देखिए मैं आपको बता दूं, 10 बजे पहला झगड़ा हुआ है जी, 10 बजे पहला झगड़ा होने के बाद झगड़ा भी वहां हुआ जो तिरंगा फहरा रहे थे, तिरंगा के गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस झगड़े के बाद 11 बजे प्रदर्शन होता है थाने के आगे और उसके बाद 12 बजे गोलीबारी होती है, तो वो लोग कुछ न कुछ प्री प्लान करके लोग आए थे, ये पहले से ही हम पहले ही कह रहे हैं, इसलिए हमारी मांग न्यायिक जांच की, पुलिस की जांच पर हमें विश्वास नहीं है, हमारी मांग है कि वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो पाए जी। संजय राठौड़ जी, लेकिन ये आपने, विपक्ष ने जो मांग उठाया, जैसे आप कह रहे हैं कि इस मामले की जांच, यानी कि पुलिस जांच पर हमें भरोसा नहीं, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, मामले की जांच हो रही है और जो आरोपी बनाया गया, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो आरोपी बनाया गया उसके परिवार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उसका उसमें हाथ नहीं है, और अभी जो वीडियो सामने आया है जो फायरिंग हो रही है उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो फायरिंग हो रही है, जो उपद्रव मचाने की कोशिश हो रही है, वो मनसा ही कुछ और था, तो ऐसे में कैसे आप अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। देखिए मैं पहले से कह रहा हूँ, ये प्री प्लान मामला था, 10 बजे झगड़ा हुआ है, झगड़ा भी उनके साथ हुआ है जो गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उसके बाद 12 बजे घटना हुई है और 12 बजे घटना हुई है तो ये सब प्री प्लान था, एसएसपी आईजी एडीजी कुछ बोल रहे हैं, सांसद कुछ बोल रहा है, ये पूरा प्रदेश को सांसद सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार की साजिश है। हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो
और सरकार ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बल लगा के यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करे। चलिए शुक्रिया संजय राठौर। निश्चित तौर पर इस मामले की गहनता से छानबीन हो, जांच हो और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार सच क्या है। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ नेशनल वॉइस पर, एक ऐसी तस्वीर जो देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। तिरंगा यात्रा की तस्वीर है कासगंज को लेकर, जो कासगंज जल रहा था, कई बसों को आके हवाले कर दिया गया था, कई लोग जख्मी हो गए थे, दो पक्षों में मारपीट हुई थी जिसमें एक की जान भी चली गई। लेकिन जान जाने वाले जो शख्स हैं, उस शख्स को लेकर हम आपको बता दें कि ये वही भीड़ है, वो वही यात्रा है जिसमें वो भी शामिल थे, और जो लोग इसमें शामिल थे वो खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए। विवेक रॉय लगातार बने हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता विवेक, जहां तक मामले की जांच की अगर बात कर लीजिए, SIT का गठन हो गया है, जांच हो रही है, लेकिन जांच के दौरान इस वक्त जो पीड़ित यानी जो आरोपी पक्ष है वहां से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए सर, आपको बता दूं, अभी तक पीड़ित पक्ष है जो वो अपने घर पे नहीं है, वो पुलिस के भय और डर के कारण फरार है। कल पुलिस ने उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया है कुर्की का, और उन्हें एक मार्च तक न्यायालय में सरेंडर करने का भी चेतावनी दी है। अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही, क्योंकि वो पुलिस के डर से घर से फरार है जी। लेकिन उनका क्या कहना है, क्या जिस पर ये आरोप लगा है, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसके परिवारजनों का कुछ कहना है? वो कह रहा है कि वो बेगुनाह है। देखिए सर, जब हमारी टीम वहां पे पहुंची, पीड़ित पक्ष के आसपास लोगों से जानने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि अभी तक ये जो आरोपी बनाया गया है, ये कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति था। जहां तक है, इस मामले की गहनता पूर्वक जांच होनी चाहिए। उसके बाद विवेक बने रहे आप हमारे साथ, हम और भी जानेंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। तो डॉक्टर चंद्रमोहन से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सत्यदेव त्रिपाठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सत्यदेव त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है और नेशनल वॉइस पर सबसे पहले ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, और तस्वीर में ये है कि तिरंगा यात्रा के दौरान जो शख्स उसमें शामिल थे वो कोई भी खुले हाथ नहीं थे, तिरंगा लेकर एक शख्स थे, बाकी जितने भी लोग थे सब हथियार से लैस थे। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये भगवा ब्रिगेड इस पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा कर रही है जानबूझ के। DM बरेली के खिलाफ जो भी चाहे कहें, लेकिन DM बरेली ने एक तथ्य उजागर किया है और एक प्रशासनिक अधिकारी ने बिना किसी राग द्वेष के एक तथ्य उजागर किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार और सरकार से डरे हुए अधिकारी आज इस प्रदेश में अनावश्यक तनाव और एक वर्ग को डराने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, लोग खुलेआम असलहा लहरा रहे हैं, अगर आपके घर के सामने से कोई असलहा लहरा कर चले जाए, फायरिंग कर दे, तो निश्चित तौर पर कोई भी हो, कितना भी कमज़ोर हो, वो भी तो खड़ा हो ही जाएगा। तो ये जो नौबत आ रही है सामने में, इससे लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सत्यदेव त्रिपाठी जी, ऐसा है, आज तक उस गुप्ता के मर्डरर को ये लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए, ये कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि निश्चित तौर पर इस सांप्रदायिकता की आग को पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते हैं। आज मैंने अखबारों में अमेठी को देखा और ऐसे कई जगह ये लोग इसी तरह से आने वाले 2019 के चुनाव की भूमिका बना रहे हैं जी। सत्यदेव त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि देखिए, किसी की हत्या हुई है, गोली लगी, उसकी मौत हो गई और ये बहुत दुखद है, लेकिन गोली किसकी लगी, किसने फायर की, ये एक वीडियो में देख रहा है कि लगातार जो शख्स जा रहे हैं उस पर फायरिंग हो रही है, मतलब खुलेआम गोली चलाई जा रही है, वो हथियार लहरा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि कभी कभी आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि अति उत्साहित जब लोग फायरिंग करते हैं, हर्ष फायरिंग होती है, उसमें अपने ही लोग मर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल ये संभावना है, इसमें कोई इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। चलिए शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, मामला कासगंज का है और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे।